अच्छा ये बताओ कि इतनी सारी कवायद और एनर्जी अपन लगा रहे हैं, आपकी क्या धारणा है इसके बारे में? आपको क्या फील हो रहा है? कहाँ तक ये आपको लग रहा है कि सही डायरेक्शन है? जिस बदलाव और महाबदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो आज के दुष्ट नेताओं को, स्वार्थी नेताओं को, अपराधी नेताओं को कभी पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना? तो जो रणनीति हमने बनाई है, वो जो रणनीति हम चर्चा कर रहे हैं, वो कहाँ तक आपको लगता है कि सफल होगी? प्रयास तो कर ही रहे हैं आप, इतना अच्छा, नहीं, आपको एक होता ना गट फीलिंग आती है। उत्तर ऐसा है कि ज्यादातर लोग है जो सदन है और इसका अपना एक सोच है। आजकल हमने जैसे नेताओं को अपने बचपन में देखा था हाँ कि वो खत्म हो जाते, जो ऐसा हाँ लगता है कि जो जितना बड़ा बदमाश हाँ हाँ है। क्योंकि आज अगर किसी को प्रोफेशन हो गया जरूरी, आप तो यानी प्रोफेशन हो गया नेतागिरी, प्रोफेशनल वो तो भी हो गई और प्रोफेशनल भी दुष्टों के लिए हो गई है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ सर। जैसे अब आपके लड़के को, अपने लड़के को मुझे अगर नेतागिरी में डालना है तो उसको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दिला रखी, जो उसके 1,000 रुपये और चेन उसके गले में बनेगा। और बोलना है कि शाम तक ये 20,000 रुपये खर्च करके आना है, तो जो 10-5 जो है उसकी गाड़ी में खुल गया, खुल बैठेंगे भाई, गया। भैया करके 20,000 रुपये जो है शाम आप तक चले खर्च जाओ। करना है। इसी तरीके से पॉपुलर हो जाएगा आदमी, भैया के लिए जानने के लिए 10-5 लड़के जो रोज गाड़ी में बैठे रहते हैं, या तो भैया पॉपुलर हो जाएंगे और भैया को टिकट मिल जाएगा, तो भैया हाँ नेता हाँ बनेगा। तो आजकल क्या हो गया, तो क्या तो नहीं, इसमें देखिए दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि हम इनके षड्यंत्रों के सामने, कि इन्होंने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, नियम कानून अंग्रेजों के इनके लिए थे ही, इन्होंने जो भी कानून बनाए वो भी बदमाशी वाले बनाए। आपका जो हम जो कि जिस सिस्टम के हिस्सा थे, वो सिस्टम लॉर्ड बनाया और उस लॉर्ड पे पूरी तरह से कब्जा करके ये महालॉर्ड हो गए। और फिर इन्होंने अपने बदमाशों को चारों तरफ अपनी मंडली बना ली, जिसमें अधिकांश गुंडा मावाली हैं। तो ना नेताओं का चरित्र है, ना उनकी जो चंडाल चौकड़ी है उनका चरित्र है, राइट? और वो जो है अब पब्लिक पे अत्याचार करने लगे हैं, और उनके विरुद्ध जो है ना रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और पूरा तंत्र जो है वो इन महानेताओं को सामने सरेंडर कर चुका है, इनकी दुष्टता के सामने सरेंडर कर चुका है। और अब ये लोग जो है पब्लिक पे अत्याचार करने के में भी इन्हें शर्म नहीं आती है। और ये जो है ना थाने जाते तो थाने में FIR दर्ज नहीं होती है, नेता के कहने पे FIR दर्ज होगी, नेता के कहने पे गिरफ्तारी होगी। तो जो हमारे आदमी हैं, जो जो पीड़ित व्यक्ति हैं, फिर उनको कोई लोग सलाह दे देते हैं कि भैया नेताजी के शरण में ही चले जाओ। और जब ये नेताजी के शरण में जाते हैं तो नेताजी कहते हैं अच्छा सर अभी हम देखते हैं, और जो जो कंसर्निंग गुंडा मवाली है उससे कहेंगे भाई अपना आदमी क्यों तंग कर रहे हो। हाँ 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 हेलो, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। हाँ हाँ यहाँ सर एक्चुअली सिग्नल कम होते हैं, तो लोग थोड़ी सी उस जगह पे जाओ जहां पे हल्का सा सिग्नल ठीक हो, थोड़ा सा आइडिया होता है ना अपने, किसी कॉर्नर में ठीक मिल जाते हैं। हाँ, उससे क्या रहेगा कि वो बातचीत का जो आनंद है और जो ऊर्जा है वो अच्छे ढंग से महसूस हो पाएगी। अब आ रही है सर आवाज। हाँ हाँ इट इज मच बेटर, मच बेटर। हाँ, ये कह रहा था कि RMS यादव और जैनी भोपाल, हाँ। तो पुराना कंट्रोल रूम जो है वो वहाँ अपने इधर बुधवारे में हुआ करता था। तो हाँ एक मंत्री किसी को पकड़ा होगा, तो हाँ लैंडलाइन हुआ करते थे, तो कंट्रोल रूम इंचार्ज जो था वो आया,
तो मुझे बुरा के साहब भी मंत्री जी कहते हैं, तो हाँ एक तो वो उसके ऊपर कंट्रोलिंग इंचार्ज के नाराज हुए, तुमने क्यों बोला मैं यहाँ तो मीटिंग ले रहे थे, तो फिर क्योंकि बोल ही दिया था तो बात करना मजबूरी थी, उन्होंने बात किया तो सबके सामने बोले नहीं नहीं सर वो नहीं हो सकता है, ये जस्ट पेंडा मवाली, ये तो कोई और आउटसाइड भी मना कर दिया मिनिस्टर को, उन रखे सबसे बोलते हैं कि लगे ये तो हो गई गरीब की गाय जो चाय लोटा लेके बैठ जाए तो अब ना वो वैसे अफसर बचे हैं सर, यानी आउटसाइड नहीं बिल्कुल मना कर दिया, इट इज जस्ट नहीं। लेकिन हर साहब को नहीं लगता है कि आशा पे आसमान टिका है, यदि हम आशा नहीं रखेंगे तो फिर तो हमें इन दुष्टों के सामने पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा। ये तो अपन ने तब नहीं किया जब जो है ना हम सही मायने में गुलाम थे, तब भी इतने लोगों ने जो है ना आजादी की लड़ाई लड़ी और सरेंडर नहीं किया। तो अब तो ये तो हमारे द्वारा चुने हुए नेता हैं, हम इनके सामने इतने मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या सुने हुए हैं सर, हमारे और आपके वोट देने से कोई नेता बनता है एक अलग? नहीं देखिए, आप उसको कलेक्टिव वोट मानो ना, जनशक्ति की बात करो ना, तो उस जनशक्ति को जिसमें ये दुष्ट नेता कह रहे हैं, उन उन शक्ति के पास हम क्यों नहीं जाते हैं? हम क्यों अपनी युगों में जो है ना पड़े हुए हैं कि हम साहब डीजी, हम फलाना, हम ये, हम वो, हम डायरेक्टर एफएसएल, हम इस चक्कर में क्यों पड़े? यदि हम इसको त्याग करके, क्योंकि जनता तो भोग रही है, यदि वो आज थोड़ी सी जिद्दी है, थोड़ा सा उसे लगता है कि निराश है और उसे लगता है कि नथिंग इज पॉसिबल, तो हमें ये बात तो समझना ही पड़ेगी कि उनके जो ये ऐसे जज्बात हैं वो उनके कठोर जो है जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो नेगेटिव नहीं, हेलो, तो इनके कारण है, तो हमें धैर्य के साथ पब्लिक से संवाद भी करना होगा और हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करना पड़ेगी जिसमें हमारी पब्लिक एक्सपोज ना हो। देखो आप जो आप आवाहन करते हो, पब्लिक बाहर निकलती है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर होते हैं, उस पर डंडे पड़ते हैं और कोई दूसरा नेता बन जाता है, बन जाता कि नहीं बन जाता? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नेता बन जाते हैं, बन जाते कि नहीं? तो हमें जो है अब नई जो है शैली निकाल के लोगों को बिना रोड पे लाए एनर्जी का संचारण करके, थाली बजाकर, दीपक बजा के और वीडियो चला करके यदि हम वो जागृति ला पाए और हम जो संवाद जो हम संवाद करें वो सरकार की बजाय पब्लिक से करें और पब्लिक को यूज करें अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से संवाद करने के लिए, और हर व्यक्ति जो है ना एक शक्ति केंद्र बन जाए, उसका घर जो है ना वो शक्ति का केंद्र बन जाए और वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो है ना जोड़ते जाए, हर मोहल्ले का एक प्रभारी घोषित कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और हम जो है शासन से कोई वार्तालाप ना करें, क्योंकि आप शासन से वार्तालाप करेंगे तो वो आपकी बात को कचड़े में फेंक देगा। तो हम जो है उन सब के, चाहे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना हो या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना हो, चाहे इवन नियम कानून बनाना हो, तो वो डिफरेंट टुकड़ियां बना के जिसका जो कार्य क्षेत्र है उससे वो सब काम कराए जाए और फिर इनको व्यवस्थापन करें, और यदि ये व्यवस्थ हो जाते हैं तो इनको सिर पर बिठाएं, उनको जिता भी दें, और यदि ये व्यवस्थ नहीं होते, क्योंकि व्यवस्थ होना बहुत अच्छी बात है राइट, यदि वो व्यवस्थ नहीं होते हैं अपने अहंकार में, तब फिर क्राइम फ्री भारत को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना ही पड़ेगा और फिर जो है 545 मनुष्य तपस्वियों को बिना चुनाव प्रसार के जिता के आप इनको बदल दीजिए, क्योंकि तब तक आपका इतना प्रसार हो चुका होगा, आपको जो है ना इन्हीं के जो है ना गेम में क्यों खेलना है, इनके बिना गेम के अपन जीत के बताएंगे तो इनको ज्यादा डर होगा। हाँ क्या खराब हुआ है? फट गया है। अच्छा बदल दिया। हाँ हेलो। तो मुझे लगता है कि अभी प्रयास करो, क्योंकि हम सब लोग जब तक अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ के काम नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं। तो इस महा अभियान में मैं चाहता हूं कि आपकी भी
बहुत सक्रिय, और जितना भी आप समय दान कर सकते हैं उसको करना चालू करिए, और जितने लोगों को जोड़ते हैं वो उनको अब अपने ग्रुप का प्रभारी भी बनाते जाइए कि साहब इस शहर का प्रभारी है, ये फलाना है, ये है, वो है, और मुझे सूचित करते जाइए। बहुत जल्दी हम इसमें ऐप जारी कर रहे हैं, तो उसमें अपन फॉर्मल उनके जो है आइडेंटिटी कार्ड और वो सब चीजें भी जारी कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एनर्जी के साथ अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए यदि हम ये करेंगे तो हम सफल होंगे, क्योंकि जो ये अच्छी नीयत से भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं ये हमारा कोई बहुत भला नहीं कर पाएंगे। तो इसका तरीका केवल यही है कि हम पहले जो आज के चुने हुए नेता हैं वो हमारे ही वोट से चुने गए हैं, वो जो है ना उन कामों को करें, अपन जिनको बताएं, यदि वो समय सीमा में कर देते हैं तो उन्हें हम जिताएं भी 2024 में, और यदि वो नहीं करते हैं तो फिर उनकी जो है ना जमानतें जब्त होने के हालात हम पैदा करें। यदि हम आज से रोज भिड़े रहेंगे, रोज एनर्जी से, जैसे मान लो आपने देखा होगा हम कितने लोगों से बातें कर रहे हैं, कितने लोगों को एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि जिनको हम एनर्जाइज कर रहे हैं वो भी आगे ऐसी को एनर्जाइज करके यदि हम वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना देंगे तो हम 2, 3, 4, 6 महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मुझे और कोई तरीका समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि आसुरी शक्ति पूरी तरह से सत्ता पर विराजित हो चुकी हैं, उन्होंने सबको बौना बना दिया है, व्यवस्था को बौना बना दिया है, और अब आप में उतना भी साहस नहीं रहा है। जब आपके अंग्रेजों के समय में जब आप रियली गुलाम थे उस समय आप जितना कर लेते थे चाहे अपने अत्याचार सहने की कॉस्ट पे ही क्यों ना हो, अब हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद हम सुविधाभोगी हो गए हैं, सब शायद हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं, हमें देश से कोई लेना देना नहीं है, हर कोई खुदगर्ज हो गया है, तो हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं जब हम जितना हम गुलाम होते हुए कर पाते थे। आज जो है चाहे ट्रांसफर ऑफ पावर ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो है ना नहीं, तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि हर्ष की जो है ना शक्ति आपसे नहीं, लग जाएगी जरा कुछ एनर्जी जो भी है, 10%, 15%, 20%? मैं तो सर सेंसिटाइज करता ही रहता हूँ। नहीं, इसमें अपन को अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों को जोड़ना है, उनसे बात करना है, उनको जो है जो वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं वो पहुंचाना है, उनको वीडियो को चलाना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही हमारा ऐप चालू हो जाता है तो ऐप के माध्यम से मेंबरशिप भी लेना है। बाद में जो है ना उसमें ढेर सारी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीजें रहेंगी, वो भी जो है ना वो करेंगे, और इसमें हम बाह्यमुखी नहीं होंगे। साथ में जैसे ही अपनी संस्थावत बन जाती है तो हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत सरकार के बाहर रह के जितना क्राइम फ्री भारत के लिए अपन लोगों को शांति सुविधा और प्रदान कर सकते हैं वो भी हम कर पाएंगे, क्योंकि न्याय और कानून में तो प्रावधान है, केवल हमारी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो उसे इन्फोर्स करे, और पूरी व्यवस्था जो है चूंकि सब एक साथ जुड़ गए हैं अपने लाभ के लिए, लिहाजा कोई किसी को राहत देने की स्थिति में रह नहीं गया। नहीं तो हर्ष कुछ एनर्जी का संचार हुआ है क्या? क्योंकि देखो सवाल केवल एनर्जी का ही है, यदि एनर्जी आई है तो हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं और लोगों को और मल्टीप्लाई करके चार्ज कर सकते हैं। तो अपनी सूची बनाओ किनको आप चार्ज कर रहे हैं हर दिन जो है, समय लगाएंगे। वीडियो वगैरह तो फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं, वो पर्सनल संवाद करो, लगे तो जो है अपने ही आसपास जो भी अपने प्रभाव क्षेत्र है जो भी लोग पहचान के हैं वहां पे नुक्कड़ सभाएं कर लो, बैठ जाओ, बातचीत करो। इसको जो है ना व्यक्तिगत ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रांसफर इतने ज्यादा वीडियोज ऑडियोज आ रहे हैं तो लोग बात हंसी मजाक के पोर्नोग्राफी के में ज्यादा जो है ना पढ़ने में आनंद लेते हैं, आपकी चीज को शायद वो खोल के भी ना देखते हो। तो यदि जब हम व्यक्तिगत संवाद करेंगे तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होगा, और इस अव्यवस्था से हर कोई दुखी है, हर कोई जो है वो निराश हो चुका है। नहीं, हेलो जी सर।